इस वक्त की बड़ी खबर, चार दिन के दौरे पर लेक सिटी आएंगे असम के राज्यपाल। थोड़ी ही देर में खबर है कि उदयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं गुलाबचंद कटारिया। उदयपुर की पहली मल्टी स्टोरी पार्किंग का उद्घाटन करेंगे, कई स्थानीय कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे कटारिया। असम के राज्यपाल 20 और 21 अप्रैल को सर्किट हाउस में आम लोगों से मुलाकात करते हुए भी नजर आने वाले हैं। तो बस कुछ ही देर में गुलाबचंद कटारिया, जो कि असम के राज्यपाल हैं, उदयपुर पहुंचने वाले हैं, पहली मल्टी स्टोरिंग पार्किंग का उद्घाटन करेंगे। चार दिन का उनका ये दौरा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर से अगली खबर लेते हैं, जहां पर दिल्ली एयरपोर्ट पर इस वक्त मौसम खराब हो गया और दिल्ली से लिहाजा जयपुर विमानों को डायवर्ट करना पड़ा। सुबह 4 बजे से लेकर अब तक 5 फ्लाइट जयपुर डायवर्ट हो चुकी हैं। कौन कौन सी वो फ्लाइट हैं, जरा इसकी भी जानकारी अपने दर्शकों को हम दे देते हैं। इंडिगो की पुणे से दिल्ली फ्लाइट 6E681, एयर अरबिया की शारजा से दिल्ली फ्लाइट G9493 और एयर इंडिया की गोवा से दिल्ली फ्लाइट AI884, साथ ही गो फर्स्ट की पुणे से दिल्ली फ्लाइट G8172, इंडिगो की भी फ्लाइट है चेन्नई से दिल्ली जाने वाली 6E2082, और इन तमाम फ्लाइट्स को डायवर्ट करना पड़ा है क्योंकि मौसम खराब था। और अब खबर यह है कि मौसम में सुधार के बाद ही इन्हें दिल्ली रवाना किया जाएगा। और अब आपको दिखाते हैं